Ôi này con rồi. प्रॉब्लम, तो अगर डाउट नहीं है तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऐसा सम किया था, वहीं से शुरू कर रहा हूँ। लेट और मल्टीप्लिकेशन वाले सम्स हैं, इसलिए मैं सॉल्व एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, ठीक है? ताकि मल्टीप्लिकेशन में अब डाउट खत्म हो चुका है तो उसमें टाइम बर्बाद नहीं करना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन। इफ ए इज इक्वल टू थ्री माइनस वन वन टू, फाइंड एफ ऑफ ए। हेंस फाइंड ए क्यू। सॉल्यूशन सम लिख लो एक बार, 15 सेकेंड्स दे रहा। सर इसके पहले का कोई चीज ढूंढ सकते हैं क्या? चलो यस थैंक यू। आगे चलो। चलो तो लास्ट क्लास में सम्स दिया था मैंने और किसी ने डाउट नहीं पूछा, तो मैं मान के चल रहा हूं कि अब तुम लोगों को ये सब चीजें क्लियर हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो एफ ऑफ ए का वैल्यू तुम निकाल सकते हो। ए स्क्वायर माइनस फाइव ए, मगर ये क्योंकि 2 क्रॉस 2 है तो आइडेंटिटी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, तुम्हें ए स्क्वायर निकालना होगा, ये तुम्हारा काम है। 3 1 -1 2 को मल्टीप्लाई करोगे, 3 ये रफ नहीं है रे, ठीक है? तो ए स्क्वायर अगर तुम निकालोगे तो 8 5 -5 3 आएगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि मैं सॉल्व एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। तो अगर ये एफ ऑफ ए होगा, तो अगर ये सब वैल्यू उसमें पुट अप करोगे तो इसका वैल्यू 0 आएगा, मतलब ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस 7 i2 का वैल्यू 0 आ गया। अब क्या निकालने बोल रहा है, हैंस फाइंड ए क्यूब। तो ये 3 क्रॉस 3 में भी पूछा जा सकता है, तो ए क्यूब तो काफी बड़ा हो जाएगा, और हैंस जब बोला जाता है तो इसे यूज करके फाइंड करना। अब इसे यूज करके ए क्यूब कैसे फाइंड कर सकते हैं, बड़ा आसान फैक्ट है। तुम्हें अगर ए स्क्वायर का वैल्यू पता चल चुका है, तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूं ए से तो ये क्या बनेगा, जरा बोलो। सुबह सुबह उठे हो, नींद लग रहा होगा। ए क्यूब इज इक्वल टू 5a² - 7 एनीथिंग आइडेंटिटी मल्टीप्लाइड बाय ए। आई को अगर तुम कभी भी ए के साथ मल्टीप्लाई करोगे, चाहे तुम लेफ्ट हैंड साइड से करो या राइट हैंड साइड से करो, इन जनरल मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, मगर यहाँ पे ये ए होता है। तो इसका मतलब ए क्यूब का वैल्यू क्या हो गया, 5a² - 7a। मगर ए स्क्वायर जो है वो तो तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो ये वैल्यू इसमें डाल दो। तो दिस इज इक्वल टू 5 times of 8 5 - 5 3 - 7 times of a, तो 3 1 - 1 2। किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है? तो एग्जाम्पलर में एक समय की 8 टू द पावर 4 निकालना है तो स्क्वायर कर दो तो 8 टू द पावर 4 निकल जाएगा, ठीक है? किसी को लिखना है तो लिखे। पहला समय, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं ताकि ऐसा फॉर्म आ जाए। सर यहाँ पे हम ए क्यूब को ए स्क्वायर इनटू ए के नेम निकाल सकते हैं? नहीं नहीं, वो कर सकते हो, मगर हैंस सब यहाँ पे एक वर्ड मेंशन है, समझ में आया? ये वर्ड मेंशन जब होता है इसका मतलब होता है कि तुमने पहले जो रिजल्ट निकाला है उसे यूज करना है, इज इट ओके? यस सर। वरना तो वो कर ही सकते हो ना, क्या प्रॉब्लम?
आगे चलूं, टाइम बाकी है, रुक जाओ। सर हाँ बोल सर, आप बता देंगे सर ने अभी भी क्या समझाया सर? मैं कनेक्शन के से बाहर चला गया था। नहीं, एक अगर ये वाला तो लास्ट क्लास में दिया था कि सपोज a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 सर, लाइन 26 के से 25 के बाद सर 20 नहीं, मेरा क्या, मेरा कहना है कि अगर तुम्हें a स्क्वायर मिल गया है, तुम्हें क्या चाहिए, क्या फाइंड करना है? क्यों तो a स्क्वायर को अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या एक्सप्रेशन मिल जाएगा? तो ए क्यूब इजिकल टू क्या, ये क्या बन जाएगा 5a² और ये क्या बन जाएगा 7। हाँ सर, डायरेक्टली तो कर सकते हैं सर, वो राइट साइड में भी लिखा था। यहाँ पे वर्ड है ना एक, देखना। हाँ सर, हैंस वर्ड जब होता है इसका मतलब है जो रिजल्ट निकालना है, ठीक है, डायरेक्टली तो कर ही सकते हो, वो तुम जानता ही हो, समझ में आया? हाँ सर, लास्ट क्लास में तो मैंने भी बताया कि डायरेक्टली कर सकते हो, मगर हैंस वर्ड जो आ गया, हैंस आने के कारण प्रॉब्लम। आगे चल रहा हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है सर। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, मतलब ए बी इज जनरल, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए होता है, ठीक है, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई कॉम्यूट्स विथ, बट आई कॉम्यूट्स, आई हर समय कॉम्यूट करेगा, आई ए इंटू ए आई इज ऑलवेज आई, तो आई के ऊपर चिंता नहीं है, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट है, इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, मगर आई सबके साथ कॉम्यूट करता है। तो प्रॉब्लम कभी कभी ऐसा आ सकता है कि अंडर अंडर वाट कंडीशन ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कब होगा, ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन। कह रहा है कि वो जो हम लोग एलजेब्रा का फॉर्मूला लगाते हैं वो मैट्राइसेस में कब, मैं लिख नहीं रहा हूँ ना, ए एंड बी आर मैट्राइसेस, हाँ ए और बी आर मैट्राइसेस, हाँ आर सपोज 2x2 मैट्राइसेस दिया हुआ, वो कुछ भी हो सकता है, जस्ट कॉम्यूटेटिव हो, मतलब मल्टीप्लीकेशन कंफर्टेबल होना पड़ेगा। तो मैं उल्टा लिख रहा हूं, मतलब मुझे मालूम है ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं जानता हूँ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए होता है। अब मैं इसे, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगता था, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगता था, क्योंकि मैं जानता हूं a मल्टीप्लाइड बाय p प्लस q इज नथिंग बट ap प्लस aq होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगता है, इसीलिए a को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो वो a प्लस b होगा, प्लस b को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं तो वो a प्लस b होगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b स्क्वायर होगा, और यहां पे क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, मतलब ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए, इस ए बी को मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ तो ट्वाइस ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू बी ए, मतलब ये ट्रू तभी होगा अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए होता है, इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए, तो अंडर व्हाट कंडीशन, तो दिस इज द कंडीशन। तो ये किसी केवल एक सम के लिए नहीं लग रहा है, मतलब मेरा कहना है कि अगर ए और बी मेरा मैट्राइसेस है तब ए प्लस बी टू दी पावर एन में तुम इसे एलजेब्रिकली तभी ब्रेक कर सकते हो, एलजेब्रिकली मतलब मैं बता रहा हूं, हाँ एलजेब्रिकली मतलब इसमें फॉर्मूला लगा के तुम तभी ब्रेक कर सकते हो, फॉर्मूला ऑफ रियल नंबर्स जो होता है, और तुम्हें केवल दो नंबर, दो फॉर्मूला चाहिए, ये तभी हो सकता है ओनली इफ
ए बी और बी ए कम्यूट करे। अगर ए बी और बी ए कम्यूट करे तो तुम ए प्लस बी होल स्क्वायर को लगा सकते हो और ए प्लस बी के होल क्यूब को लगा सकते हो। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। दो मिनट लिख लो। आगे चलूं? किसी को डाउट है? मतलब a प्लस बी का होल क्यूब, दो ही फॉर्मूला जानते हो यार, स्क्वायर वाला जानते हो, ये कब लगेगा? कोई बोलेगा अभी जो मैंने कहा ऊपर जो, और a प्लस बी का होल क्यूब कब लगेगा? ab इक्वल टू b थ्राइस a स्क्वायर b प्लस, यही दो फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है, और किसका जरूरत पड़ता है? तो ये और नहीं, और एक है a प्लस b इंटू a माइनस b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मगर ये फॉर्मूला तभी लगेगा इफ मैंने प्रूफ किया ऊपर क्या, इफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, बी ए होता है। चलो तो प्रॉब्लम एक सम करते हैं। इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स such that a square is equal to a, then find 2 plus a whole cube minus 19 solution। ये सब लिखने के लिए टाइम दे रहा हूं 45 seconds का। आगे चलूं? हाँ सर। यस। ए स्क्वायर का वैल्यू ए, तो ए क्यूब भी क्या होगा? क्या ए क्यूब को ए इंटू ए स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ सर। मगर अगर ए स्क्वायर ए है तो इस ए स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ? तो ए इंटू ए फिर से क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। मगर ए स्क्वायर ए है तो इसका मतलब क्या हुआ? आया समझ में? तब तो खेला ही खत्म हो गया। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, सॉरी हाँ, करेक्शन ये है कि टू को तो तुम ए के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये टू आई है, करेक्ट कर लेना। हाँ सर, वो 19 ओ नो, रिकॉर्डिंग शुरू हुआ है नहीं? शुरू हुआ है ना रिकॉर्डिंग? हाँ सर। हाँ बोल सर, वो 19 ए है ना फर्स्ट? हाँ 19 ए है। हाँ तो 12 आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 19 ए करना। मैंने करेक्शन किया, ये आई आई लगाया यहाँ पे। तो अब क्या आई कम्यूट करता है?
हाँ सर। तो आई अगर कॉम्यूट करता है तो क्या अलजेब्रा का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो ये फॉर्मूला तुम्हारे पास हो जाएगा 8i³ + 3 × तो i² + 3 × i² (a²) + a³ - 19। तो 8i, 2 × 4, 4 × 3 = 12a (+3 × 6a²) + a³ - 19। तो ये हो जाएगा 8i + 12a + a² के बदले क्या डाल सकते हो? a³ के बदले भी क्या डाल सकते हो? a। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने जाना देखा था कि a²a³ = a है, we have already proved अगर इसे नंबर वन लोगे फ्रॉम वन, अब तो खेला ही खत्म। 12 + 6 = 18, 19। तो क्या आ गया? 8i + 19a - 19a, खेला खत्म, आंसर 8i। ये इस साल तो एग्जाम ही नहीं हुआ, CBSE 2020 का ये पेपर नहीं आया था। किसी को लिखना है तो लिखो, कहीं डाउट है तो बोलो। लिख लो, समझ में आया? आगे निकल रहा हूं, आगे निकलू ना? हो गया ना, लिख लिया? Let A is equal to 0 minus 10 alpha by 2, 10 alpha by 2, 0. And IB identity matrix of order 2. Prove that i + a = i - a multiplied by cos alpha minus sin alpha, sin alpha cos alpha. Sum काफी लंबा होगा मगर NCERT का ही सम है। लिखना है तो लिख लो, 10 सेकंड दे रहा हूं, चलो 10 सेकंड में तो मेरे ख्याल लिख नहीं पाओगे, और 10 सेकंड आगे चलूं? चलो, सॉल्यूशन i + a क्या होगा पहले ये निकाल लेते हैं।
तो आई प्लस ए होगा 1 0 0 1 को तुम ए के साथ ऐड करोगे तो 0 माइनस 10 अल्फा बाय टू 0 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 10 अल्फा बाय टू और 1। अब मैं क्या करूं, अब मैं आई माइनस ए में जा रहा हूं, आई माइनस ए तब क्या होगा 1 0 0 1। समझ में आ रहा है, ये तो एक आइडेंटिटी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए का वैल्यू दिया हुआ है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, प्रूफ करो कि आई प्लस ए का वैल्यू दिस इनटू दिस हो। सर तो हाँ बोल दे जा। सर आई प्लस ए में सर आई को सर अपने सर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के सर 1 1 रखा है सर। हाँ बोलो। हाँ हाँ सर, वो तो सेकंड रो में नहीं रख सकते सर। आइडेंटिटी तो फिक्स था ना। हाँ सर। हाँ आइडेंटिटी तो फिक्स है ना, ठीक है। आई एक फिक्स मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तूने टीबीएस सबमिट किया था लास्ट क्लास वाला? टीबीएस नहीं किया था सर। ठीक है, तब ऐसे डाउट्स होंगे, घबरा मत। लास्ट क्लास अटेंड किया था या वीडियो देखा था? वीडियो देखा सर। ठीक है सर, कोई पंगा नहीं, तब पुर्तगाल 2 तेरा 0 स्कोर होगा। ये डाउट्स सिंपल डाउट्स हैं, घबरा मत। 0 1 माइनस 0 0 माइनस तो ये 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 आज ज्यादा समझ में भी नहीं आया ना। 1 तो मतलब अगर लास्ट क्लास अटेंड नहीं किया है, टीबीएस सबमिट नहीं किया है, तो आज का क्लास समझ में आने के लिए तब ये होना पड़ेगा कि तुझे अभी क्लास के बाद पापा को बोलना होगा कि पापा गुवाहाटी मुझे पूरा घुमाइए, और पूरे गुवाहाटी में कोई ऐसा बिल्डिंग तुझे देखना होगा जिसमें फर्स्ट फ्लोर है और थर्ड फ्लोर है मगर सेकंड फ्लोर गायब है। अगर ऐसा एक भी बिल्डिंग तुझे गुवाहाटी में मिल जाएगा, तब लास्ट क्लास जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया था उन्हें आज का क्लास समझ में आएगा। मगर अगर ऐसा बिल्डिंग नहीं मिला, सॉरी मैं नहीं समझा पाऊंगा, आगे चलते हैं। क्योंकि चलो आई माइनस ए का वैल्यू, अब आई माइनस ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आई माइनस ए को मल्टीप्लाई कर रहा हूं कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा से। आसान नहीं है जानते हो, क्योंकि जानते हो इस साल भी क्या होने वाला है, तुम लोग को पता है इस साल भी, तो मोटिवेशन रखना आसान नहीं है, मैं ये बात जानता हूं, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, हाँ थोड़ा सा लंबा सम होगा ये। तो i माइनस ए मेरा था 1 10 अल्फा बाय 2 माइनस 10 अल्फा बाय 2 और 1। अब इसे अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं कॉस अल्फा से, तो अब यहां प्रॉब्लम ये है कि ये फुल एंगल है, यहां पे फुल एंगल है और यहां पे हाफ एंगल है, तो क्या कॉस अल्फा को 10 अल्फा बाय 2 के टर्म में लिखा जा सकता है, क्या बोलते हो? यस सर। 10 अल्फा बाय 2 10 अल्फा बाय 2 और 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 2 10 अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 साइन अल्फा 2 10 अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाय 2, ठीक है। ये तो फॉर्मूला था। अब मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूंगा, मगर टर्म बहुत ज्यादा बड़े नहीं हो गए हैं क्या? मगर ध्यान से देखो सब किसके टर्म में, सब किसके टर्म में, 10 अल्फा बाय 2। तो ऐसा जब तुम्हें दिखता है तो तुम्हारे दिमाग में आएगा क्यों ना एक सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए, लेट ए इज इक्वल टू 10 अल्फा बाय 2, उससे चीजें थोड़ा छोटा हो जाएगा ना। तब ये एक्सप्रेशन कैसा बनेगा, 1 ए माइनस ए 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर
माइनस ट्वाइस ए बाय वन प्लस ए स्क्वायर, ट्वाइस ए बाय वन प्लस ए स्क्वायर और वन माइनस ए स्क्वायर बाय वन प्लस ए स्क्वायर। क्या यहां पे कुछ कॉमन आ सकता है? ध्यान से देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला था ना, मैं पहले ही कहा हूं ये लंबा समय है, मेरे पास एक फॉर्मूला था क्या, अगर कभी भी के ए के बी के सी और के डी दिया रहे तो कुछ बाहर निकलेगा क्या? के तो के बाहर निकल जाता है, तो के बाहर निकलने से क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। तो इसीलिए ये क्या हुआ, वन ए माइनस वन ए, तो यहां से क्या बाहर निकलेगा बोलो? वन बाई वन प्लस ए स्क्वायर बाहर निकाल दूं तो क्या रह जाएगा? वन माइनस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए, और क्या ट्वाइस ए और वन माइनस ए स्क्वायर वन, ये तो एक कांस्टेंट है, इसे बाहर लेके आ जाता हूं तो अब आसान हो गया, माइनस ए वन को मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ? वन माइनस ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए, ट्वाइस ए और वन माइनस ए स्क्वायर के साथ। काफी लंबा समय मैं जान रहा हूँ हाँ, मगर एनसीईआरटी का समय पहले ही बोल रहा हूँ ठीक है। तो अगर तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा देखें, वन माइनस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर माइनस ए प्लस ए क्यूब माइनस ट्वाइस ए प्लस ए माइनस ए क्यूब ए स्क्वायर प्लस वन माइनस ए स्क्वायर। काफी लंबा समय मैं पहले ही कह चुका हूं, बार बार ये लैंग्वेज कह रहा हूं ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, वन प्लस ए स्क्वायर, ए कॉमन लेता हूं तो ए स्क्वायर माइनस वन, उसके दिस इंटू दिस, उसके बाद माइनस, मैंने गलती लिखा है क्या, माइनस ए प्लस ए क्यूब प्लस ट्वाइस ए होगा ना, तो ये ए स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा। ये माइनस ए कॉमन ले लू तो वन प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है कुछ देख रहे हो? वन प्लस ए स्क्वायर, वन प्लस ए, तो वन प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। तो अगर वन प्लस ए स्क्वायर को भी बाहर निकाल लू तो ये क्या बचा, वन ए माइनस ए वन, ए क्या था, ए क्या था, टेन अल्फा बाय टू। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन अल्फा बाय टू, टेन अल्फा बाय टू वन, वेरी गुड। ऊपर देखें क्या मिला था, ध्यान से देखो क्या सेम नहीं मिला था, इसे नीचे लेके जाता हूं देखो, दो ये एग्जैक्टली सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, तो हेंस क्या प्रूफ हो गया, इसे मिटा दे रहा हूं, हेंस दिस इज नथिंग बट क्या, ये था क्या, ये तुम्हारे पास था आई माइनस ए, तो दिस इज नथिंग बट आई प्लस ए, हेंस प्रूफ। लिखना है तो लिख लो ठीक है, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल नहीं है रे, बस मल्टीप्लाई करना है ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग साइड में, मैंने पहले ही कहा था, इसीलिए मैंने ये टॉपिक पहले नहीं पढ़ाया था, तो मेहनत करो ठीक है, मेहनत करो। हाँ बोलते जाओ, लाइन नंबर 23 में अगर हम लोग फर्स्ट मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद कॉस अल्फा को 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 लिखते और टेन अल्फा बाय 2 को साइन अल्फा बाय 2 और कॉस अल्फा बाय 2 लिखते तो तब भी आएगा आंसर? हाँ तब भी, वो एंगल को बस हाफ एंगल में लेके जाना है ठीक है, एंगल को हाफ एंगल में लेके जाना है, वो जैसे भी फॉर्मूला तुम लगा। काफी लंबा समय हाँ, टाइमर का तो बात नहीं है, तुम लोग मुझे बोलते जाओगे मैं ऊपर लेते हुए निकल जाऊंगा। एक पेज के लिए दे देता हूँ 1.5 मिनट फिर आ। सर इसके नीचे का पेज 1 सेकंड देख सकते हैं?
कोई कुछ बोल रहा था? लिख लिया मैं और 1.5 मिनट दे रहा हूँ, उसके बाद आगे चलूंगा। मैं भी बोल हो जाता हूँ इतना देर। तो टीवीएस को सबमिट करना अपना एक धर्म मानोगे, ठीक है? यूरो के कारण नहीं सबमिट कर पा रहे हो तो मेरे ख्यालों में गलत बात है, क्योंकि टाइम निकालना तुम्हारा फर्ज है। और क्लास अगर अटेंड नहीं किए हो तो टीवीएस सबमिट करना मेरे ख्याल में ज्यादा जरूरी हो जाता है, कि तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुमने वीडियो देखा है। वीडियो देख, ठीक है, वीडियो देखने से, वीडियो केवल देखने से नहीं होगा। मतलब आजकल खूब एक व्हाट्सएप में ट्रेंडिंग है, एक क्या बोलते हैं पोएम रीयूनियन, मुझे मिला है काफी ज्यादा। सुनने में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। आगे चल रहा हूँ, ठीक है, कि बैग मैनेजर था वो आर्मी ऑफिसर बन गया, मैथ्स में फेल होता था वो फैशन डिजाइनर बन गया। बात बात पढ़ाई की नहीं है, समझ में आ रहा है? बात पढ़ाई की नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोरोना के कारण स्टूडेंट को, स्टूडेंट की पढ़ाई कमी हो जाने के कारण उनका ब्रेन हॉलो हो जाएगा। बात उस कैरेक्टर का है जिसका नाम कमिटमेंट होता है। जब स्कूल चलता रहता है तो तुम जबरदस्ती कमिटेड रहते हो किसी चीज के लिए, और तुम्हें तुम ये चीज जानते हो कि एनुअल के एग्जामिनेशन में मार्क्स लाने के लिए तुम्हें पढ़ाई के प्रति कमिटेड रहना पड़ेगा, यूनिट टेस्ट में मार्क्स लाने के लिए तुम्हें कमिटेड रहना पड़ेगा। लाइफ में सक्सेस के लिए पढ़ाई जरूरी नहीं है, जरूरी वो कमिटमेंट है। अगर तुम लास्ट 1.5 साल से, 1.5 साल तो ऑलमोस्ट नहीं हुआ है, जितना भी 3 महीना 1 साल 3 महीना,
तुम अगर कमिटेड नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा कि जब चीजें खुल भी जाएगा ना, तब तुम हजार बार ये चीज पढ़ते रहो कि जो मैथ्स में फेल हुआ था वो फैशन डिजाइनर हो गया था। मगर फैशन डिजाइनर तो तभी होगा ना जब वो कमिटेड होगा। तो कैरेक्टर से जब कमिटमेंट निकल जाता है ना रे, तो सक्सेस निकल जाता है कैरेक्टर से। इसी बैच में वो बच्चे होंगे जो कल रात को यूरो देखे हैं मगर आज अभी मेरा क्लास कर रहे हैं, दे आर कमिटेड। इसी बैच में वो बंदे होंगे जो कल रात को यूरो देखे हैं अभी सो रहे हैं, परसों मेरा वीडियो देख रहे होंगे, जो अभी वीडियो जो ये सुन रहा है वीडियो देखते हुए, यू आर नॉट कमिटेड। तो क्या ये तीन दिन में तुमने गिटार अच्छे से बजाया था कि तुम्हारा कमिटमेंट गिटार भी हो, या तुमने सुंदर से कुछ खाना बनाना सीखा कि तुम्हारा कमिटमेंट खाना बनाने में हो, या लास्ट तीन दिन तक तुमने केवल कोई चीज थोड़ा थोड़ा किया, मतलब यू आर तुम अपने कमिटमेंट वाले कैरेक्टर को अपने अंदर से हटा दे। और मम्मी पापा साक्षी हैं, पूछना, 1.5 साल तक जब तुम्हारा कोई एक कैरेक्टर खत्म हो जाता है तो उसके बाद उस कैरेक्टर को आने में बहुत देर लगता है और कभी कभी नहीं भी आता है। मैं उस कैरेक्टर से डर रहा हूं। मुझे पढ़ाई से प्रॉब्लम नहीं है कि तुम मुझे टीबीएस सबमिट नहीं कर रहे हो। अगर तुम टीबीएस सबमिट नहीं करके मुझे भेज दो कि सर देखिए मैंने गिटार का एक अच्छा सा पीस बनाया है, आई लाइक इट, मीन्स यू आर कमिटेड। मगर तुमने गिटार का भी पीस नहीं भेजा, तुमने मैथ्स भी नहीं किया। नहीं सर, कमिटेड होके यूरो देख रहा हूं, देखना इज नॉट कमिटेड। स्पेक्टेटर कभी भी कमिटेड नहीं हो सकता है, वो फॉलोअर हो सकता है। तो इस चीज को समझो, आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैं ठीक है, तो कमिटमेंट इज इंपॉर्टेंट। अब वो कमिटमेंट जिस जगह में होगा वहां पे तुम सक्सेस करोगे। चलो जस्ट वेट अ मिनट। अब मैं ना इंटू करना नहीं चाहता हूं, इसलिए सॉल्व एग्जांपल तुम लोगों को मैं सॉल्व एग्जांपल भेजूंगा। हाँ, जैसे ये तो जैसे अब रिटर्न प्रॉब्लम्स दिया रहेगा और उसे तुम्हें मैट्रिक्स में चेंज करना होगा। जैसे एक बार सीबीएसई में ये सम आया हुआ था। प्लीज सम लिखने का जरूरत नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, केवल सम पढ़ोगे। हाँ, ये सम लिखने का जरूरत नहीं है, ये लिखोगे तो बर्बाद हो जाओगे यार, बहुत लंबा समय। मैं टाइम दे रहा हूं 30 सेकंड का, ये सम पढ़ के देखो। क्वेश्चन नंबर 22, सुनने में आ रहा है? ठीक तो ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से जब भी तुम एक, और इसमें इस बार का और एक प्रॉब्लम है, मतलब टीचर्स लोग भी वो सब चीजों को शेयर कर रहे हैं। अरे यार, मार्क्स का क्या जाता है? एक बंदा शेयर करता है कि नहीं, स्टिल जब जैसे यूपीएससी का रिजल्ट निकलता है तो कुछ आईएएस अफसर शेयर करते हैं, मार्क्स के बारे में क्यों चिंता करते हो? मैं सेकंड डिवीजन था क्लास टेंथ में। अरे यार, साथ में ये भी लिख दो ना, आप सेकंड डिवीजन थे क्लास टेंथ में मगर आपने ग्रेजुएशन के बाद कितना मेहनत किया था कि आपका निकला, ये भी साथ में लिख दो ना, मतलब ताकि बच्चे को पता चले कि लाइफ में किसी एक टाइम में मेहनत करना पड़ता है। और ये भी लिख दीजिए परसेंटेज वाइज कि कितने बच्चे जो सेकंड डिवीजन आए थे वो आईएएस क्लियर किए। प्रोबेबिलिटी मैटर्स ना, प्रोबेबिलिटी मैटर्स, तो वो भी एक बार लिख दिया जाए। चलो, द मंथली इनकम ऑफ आर्यन एंड भवन आर इन द रेशियो 3:4 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन द रेशियो 5:7। इफ ईच सेल्स ₹15,000 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। ध्यान से देखो, द मंथली इनकम ऑफ द आर्यन एंड भवन आर इन द रेशियो 3:4। तो मैं कह रहा हूं कि मंथली इनकम जो होगा, मैं उसको यहाँ पे भवन, हाँ, और यहाँ पे सॉरी, पहला वाला आर्यन, ये आर्यन है, ये भवन है, इसे 3x ले लेता हूँ, इसे 4x ले लेता हूँ, माइनस मंथली एक्सपेंडिचर कितना है, क्या हो जाएगा, कोई बोलेगा? 5y और 7y = सेविंग कितना है? ऐसे दिख के दिखाना होगा, हाँ, सेविंग कितना है, किसी को डाउट है तो पूछेगा। रे मैं फिर से कह रहा हूँ, हाँ, तो दिस इम्प्लाइज, अब मैट्रिक्स मेथड से तुम क्या जानते हो, इसे क्या लिख सकते हो,
थ्री एक्स माइनस फाइव है और क्या, फोर एक्स माइनस सेवन वाई इजिकल टू कितना, 15,000. क्या फायदा, थ्री एक्स माइनस फाइव वाई इजिकल टू 15,000 और फोर एक्स माइनस सेवन वाई इजिकल टू 15,000. सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकाल लेना, वाई का वैल्यू निकाल लेना, खेला खत्म. ठीक है, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ. ठीक है, देखना है तो देख लो यार, लिखना है ये क्या, क्वेश्चन नहीं लिखोगे तो आंसर लिखते ही फायदा नहीं है मेरे ख्याल में. मैं एक मिनट के आसपास दे रहा हूँ देखने के लिए. हाँ, इस पेज छोड़ सकते हो, बाद में लिख लेना. हाँ, काफी टाइम लग जाएगा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पेज छोड़ सकते. आगे चल रहा हूँ. ये अनसॉल्व एग्जांपल है, एक्स वाई का वैल्यू मुझे नहीं मालूम है क्या, वो सॉल्व करके देख लेना. ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछेगा. हाँ, अब यही रिटर्न प्रॉब्लम कभी कभी मल्टीप्लिकेशन में भी लगता है. क्वेश्चन पढ़के देखो, एक मिनट का टाइम दे रहा हूं. क्या कह रहा है, द कोऑपरेटिव स्टोर ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 dozen फिजिक्स बुक, 10 dozen फिजिक्स बुक, फिजिक्स इन dozens. टेन dozen, और तो फिर यहां पे तो रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, तो dozen में नहीं दिया हुआ है तो इसलिए उसे चेंज करेंगे. तो फिजिक्स बुक कितना है, 10 dozen मतलब 120. केमिस्ट्री बुक कितना है, 96. और मैथमेटिक्स बुक कितना है, 12 5 60. तो ये मैट्रिक्स बुक्स का हो गया. अब सब किससे मल्टीप्लाई होगा, 120 किससे मल्टीप्लाई होगा, बोलो ना, एटलीस्ट बोल तो सकते हो. तो 8.3 तो अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये 8.30 हो जाएगा. नहीं क्या, कॉस्ट यहाँ पे लिखा हूँ मैं. हाँ, ये कॉस्ट फिजिक्स का हुआ. फिर केमिस्ट्री का 3.45. उसके बाद मैथ्स का 4.50. तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 × 120 × 8.30 प्लस 96 × 3.45 प्लस 60 × 4.5. सॉल्व एग्जाम्पल है इसलिए मैं आंसर बोल सकता हूँ तुम्हें, 1597.20. ठीक है, मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ देखने के लिए. एक मिनट तो लगेगा नहीं मेरे ख्याल में, 30 सेकंड का दे रहा हूँ. देखो कहीं डाउट है तो बोलो. देखना पड़ेगा हम लोग कैसे अरेंज करेंगे मैट्रिक्स को. हाँ, मतलब अल्टीमेटली अगर तुमने मतलब अगर इसे कॉलम ले लिया है तो इसे रो ले लेना. आया समझ में? मतलब मल्टीप्लिकेशन होने वाला है ना, वो तो क्लियर है ना. और कोऑपरेटिव स्टोर ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल है क्या करना है, अल्टीमेटली मुझे मालूम ही है कि 10 को 8.3 से मल्टीप्लाई करना है. तो ऐसा करना है कि मल्टीप्लिकेशन कंफर्टेबल हो. ठीक है, टायरिंग टाइम है, मैं जान रहा हूं, मैं खुद जान रहा हूं. टायरिंग टाइम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ. ठीक है, मैं ये मैं एकदम नहीं ले रहा हूँ कि तुम साइकोलॉजिकली तुम लोग परेशान नहीं हो. ठीक है, मगर ये बात भी सच है कि स्टूडेंट जो है उसका फायदा भी उठा रहा है. ठीक है, जब साइकोलॉजिकली परेशान नहीं हो रहा है, साइकोलॉजी परेशान होने का रीजन ये है कि कॉन्टिन्यूटी में वो पढ़ाई नहीं करता है, वो 3 दिन तक नहीं पढ़ता है, 4 दिन जब पढ़ने के लिए बैठता है तो उसको बहुत कुछ करना होता है, तो फिर वो डिप्रेशन में जाता है. और मोबाइल और यूट्यूब छोड़ के अगर तुम लोग डिप्रेशन में हो तो मैं मानता हूँ, मगर अगर कोई उसके कारण डिप्रेशन में जा रहा है तो वो तो तुम्हें समझना होगा ना रे.
वो तो तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो टाइम किलर है तुम्हारा। चलो ये पढ़ के देखो, थ्री शॉपकीपर्स एबीसी गो टू द स्टोर टू बाय स्टेशनरी। ए परचेजेस 12 डजन नोटबुक्स, 5 डजन पेन एंड 6 डजन पेंसिल। चलो तो अभी हम लोगों ने किया था सेमी समय क्या क्या रहे, नोटबुक है, पेन है और पेंसिल है। ए क्या कर रहा है, ए परचेजेस 12 टू 144 क्योंकि इसका दिया हुआ है 144, 5 डजन पेन 60, 6 डजन पेन 70। अब बी क्या कर रहा है, बी परचेजेस क्या 10 डजन नोटबुक बी, तो 10 डजन मतलब 60, 6 डजन पेन मतलब 36, 7 डजन पेंसिल 10 डजन सर 120 डजन है, सॉरी मैंने गलती किया, 6 डजन पेन 72 दत तारीख 10 डजन कहाँ पे, 10 डजन नोटबुक, नोटबुक है 120, 72 और 84। सी क्या कर रहा है, 11 डजन नोटबुक 13 डजन, एक ही बार में पढ़ रहा हूँ, और 8 डजन, तो 11 डजन तो 132, सी 156 और 96। अब कॉस्टिंग कैसा होगा, अब नोटबुक तो यहां से मल्टीप्लाई होगा ना, नोटबुक तो इससे ये मल्टीप्लाई होगा 60 ये 70 ये, तो कॉस्टिंग कैसा दिया हुआ है, कॉस्टिंग तुम्हारे पास दिया हुआ है 40 पैसे मतलब 0.40 रुपीस, रुपीस 1.25, मुझे पॉइंट से ज्यादा अच्छा लगता है कि पॉइंट को हटाओ पैसे में लिखो, आई लाइक इट, हाँ पैसे में लिखो, पैसे में तुम्हारे पास नोटबुक का पैसा, पेन का पैसा और पेंसिल का पैसा, ये 125 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई करके देख लेना, ये तुम्हारे पास आएगा 157, मैं सॉल्व एग्जांपल इसलिए करा रहा हूँ, ये 16740, 28140, तो क्या बोलोगे, ये टोटल कॉस्ट किसका हुआ, ए का इंडिविजुअल बिल, ये ए का हुआ, ये बी का हुआ, ये सी का हुआ, देखना है तो किसी को देख लो, मैं आ रहा हूँ, ध्यान से क्वेश्चन करके देखो नीचे क्या क्या है। आगे चलूं, ये तीनों आंसर, हाँ बोलो सर, तीनों आंसर पेस में आए हैं पैसा में, हाँ तो उसे चेंज कर देना रुपीस में, डिवाइडेड बाय 10 157 100 से डिवाइड कर देना, हाँ ठीक है, हाँ सर। चलो हाँ बोलो, रुक जाओ, हाँ सर ठीक है, रुक जाओ, चलो लास्ट साम इस टाइप का, हाँ उसके बाद फिर
पर के देखोगे अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर एंड द सेकेंड बॉन्ड पे 7% इंटरेस्ट पर ईयर यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड रुपीज 30,000 तो तुम्हारे पास दो बॉन्ड है बॉन्ड ए और बॉन्ड बी बॉन्ड ए में सपोज मैं एक्स रुपीज रुपीज एक्स इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो बॉन्ड बी में इन्वेस्ट करूंगा रुपीज 30,000 माइनस एक्स रुपीज 30,000 माइनस एक्स इसमें इंटरेस्ट रेट कितना है ए में कितना दिया हुआ है 5% मतलब ये 5/100 ऑफ एक्स होगा और ये 7% तो ये कितना होगा 700 ऑफ 30,000 माइनस एक्स तो ठीक है इसे साइड में लिखने में कोई पंगा थोड़ी ना तो अब क्या करोगे तो अगर मैं यहाँ पे 5/100 ले लूं और यहाँ पे 7/100 ले लूं समझ में आ रहा है क्या ये बॉन्ड इंटरेस्ट रेट है तो यहाँ पे क्या करना होगा समझ में आ ही रहा है क्या करना होगा ये एक्स होगा और ये कितना होगा 30,000 माइनस एक्स तो ये तुम्हारे पास ये जो होगा ये इंटरेस्ट होगा तुम्हारे पास अब ये दिस इज इक्वल टू कुछ दिया हुआ है पहले में कितना इंटरेस्ट दिया हुआ है 1800 तो मल्टीप्लाई कर लो मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा ये 5/100 एक्स प्लस 7/100 इंटू क्या 30,000 माइनस एक्स आगे छोड़ रहा हूँ 1800 जानते ही हो दोनों को कैलकुलेट कर देना आंसर एक्स का वैल्यू आ जाएगा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी को देखना है तो देख लो ये लास्ट सम था नेक्स्ट टॉपिक में जा रहे हैं हाँ अच्छा मगर मैंने अब एक चीज को छोड़ा है तुम लोग को एक सम मिलेगा ए दिया हुआ है और ए टू डी पर एन का वैल्यू निकालना है लास्ट ईयर इंडक्शन तुम्हारे कोर्स से हट चुका था तो इसलिए इस साल ये टॉपिक नहीं रहेगा तुम्हारे कोर्स में तो इसलिए मैं इंडक्शन वाले सम्स को नहीं करा रहा हूँ हटा दोगे तुम लोग हमारे स्कूल में डिटरमिनेंट्स वाला करवाया था सर देखो मैं अभी मैं पहले ही कह रहा हूँ ठीक है ये उस तुम्हारे स्कूल ने कराया है मगर लास्ट ईयर जो टॉपिक जैसे इंडक्शन तो लास्ट ईयर 11th में ही नहीं किया तो चांसेस ही नहीं है लास्ट ईयर जो टॉपिक हटा था वो टॉपिक मैं अभी नहीं कराता हूँ क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि वो टॉपिक इस साल भी हटेगा ठीक है मैं उस चीज को अभी नहीं कराता हूँ जो उस टॉपिक लास्ट ईयर हट चुका है वो टॉपिक को मैं इस साल नहीं कराता हूँ एक बार कोर्स रिवीजन कोर्स निकल जाने दो अगर नहीं तो मैं करवा दूंगा ठीक है अननेसेसरी एज अ होल मतलब देखो दो स्कूल ने कराया है एज अ होल उसके लिए सब स्कूल के बंदे को प्रेशर पड़ जाएगा ये फॉलो क्यों कर रहे हैं स्कूल समझ में नहीं आ रहा है कि एटलीस्ट रीजन सबको पता है क्या रीजन है आगे चल रहा तो स्कूल पहले प्रोबेबिलिटी करा देता है प्रोबेबिलिटी वो टॉपिक है क्या जो पहले कराना चाहिए सब अलग अलग चीज सबका एक ठीक है चलो ठीक है मेरा भी तो वही रीजन है चलो आगे निकलूं ठीक है तो मेरा कहना है कि अननेसेसरी जैसे देखो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन लास्ट ईयर हट चुका है इस साल नहीं हटने का बात ही नहीं है मतलब जैसे नहीं हटेगा तो कोई ना कोई बहादुर होगा जो सुप्रीम कोर्ट में जाके केस दे देगा हाई कोर्ट में सर लास्ट ईयर हटा था इस साल क्यों नहीं हट रहा है ताकि न्यूज़पेपर में उसका नाम आ जाए तो उसने तो भैया नाम आने के लिए दिया था मगर फिर लास्ट ईयर हटाया और इस साल का सिचुएशन लास्ट ईयर से अगर वर्स्ट है तो हटने वाला तो केस बनता ही है तो इसीलिए देख लेते हैं ठीक है अननेसेसरी प्रेशर में मत करो हाँ मुझे तो फील होता है हाँ नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एलिमेंट्री हम लोग स्कूल में नहीं कर रहे वो छोड़ दिया ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहता है अगर ए कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3, 4, 5, 2, 10 और 15 तो ए डैश सिंपल सा चीज है ये क्या मैट्रिक्स है 2 into 3
रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, तुम्हें ट्रांसपोज मिल जाएगा। मतलब 3, 4, 5 अभी जो फर्स्ट रो में है वो कॉलम बन जाएगा और 2, 10, 5 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये उल्टा हो जाएगा, ये क्या हो गया 3 x 2। तो ट्रांसपोज समझ में आया क्या है? अगर ए तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3 तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ये रो मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा क्या? तो ट्रांसपोज का मतलब होता है रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। इज इट ओके? लिखना है तो लिख लो, लिखना है तो लिख लो। मैं पूरा डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, ठीक। रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो। आगे निकलू? हाँ सर। तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। जैसे पहला प्रॉपर्टी, दो बार ट्रांसपोज लेने से तुम्हें ए मिलेगा। ए प्लस बी का ट्रांसपोज लोगे तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज मिलेगा। किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ट्रांसपोज ले रहे हो, लैम्डा को बाहर निकाल दो, ए ट्रांसपोज दे। और ए बी ट्रांसपोज, इसका प्रूफ नहीं दे रहा हूं, इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज आता नहीं है, उल्टा हो जाता है। ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। किसी को लिखना है तो लिख लो। सर लैम्डा कांस्टेंट है ना? लैम्डा कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं भाग नहीं रहा हूं हाँ उस चीज से, मैं फिर से कह रहा हूं हाँ। जैसे तुम लोगों को लगा होगा कि मैंने कॉन्टिन्यूटी शुरू कर दिया तो सर मैट्रिसेस कहां गया, बताया ना मैट्रिसेस, ठीक है। इनवर्स भी बताऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है इनवर्स में भी दो टाइप के बंदे हैं, जो जिसने क्लास किया है, जिन लोगों ने क्लास नहीं किया है, ठीक है। मगर जो चीज लास्ट ईयर हटा हुआ था तो चांसेस, क्योंकि इस साल भी हटने का है, और तो एनसीईआरटी ने भी प्रूफ नहीं कराया इसको, ठीक है। एनसीईआरटी ने भी विदाउट प्रूफ दिया है। आगे निकलो? यस सर। देखो डिटरमिनेशन ऑफ कांस्टेंट वाले मैं सॉल्व एग्जांपल करवा रहा हूं ताकि मुझे अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन सीखने के लिए नहीं आए हो, थ्योरी सीखने के लिए आते हो 1, 2, तो बस वो कमिटमेंट वाला बात याद रखो। हाँ मैं फिर से कह रहा हूँ, लाइफ में सक्सेस के लिए जरूरी नहीं है कि तुम मैथ्स में ही कमिटेड हो, मगर लाइफ में सक्सेस होने के लिए जरूरी है कि तुम्हारा कैरेक्टर कमिटमेंट वाला होना चाहिए। और प्रॉब्लम क्या है ना कि इतने साल तक घर में बैठे बैठे, 1.5 साल तक बैठे बैठे, वो कमिटमेंट वाला कैरेक्टर जब एक बार खत्म हो जाता है तो डिप्रेशन वाला कैरेक्टर शुरू होता है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। पर्सन लिख लोगे वैल्यू ऑफ ए एंड बी, क्यों अपने आप को डिप्रेस करना चाहते हो? डिप्रेशन तो सबके पास है, मेरे पास भी डिप्रेशन है कि अरे इतना दिन से घर में बैठे बैठे खुद ही पगला जैसा हो गया हूं, ठीक है। अब किसको प्रॉब्लम है अगर मैं बैच मिलाऊं तो? इस बैच में प्रॉब्लम है किसी को? हाँ, दोनों बैच अगर मिला दूं तो जेब्रोनी को प्रॉब्लम है सर, मुझे, रंजीत को, ठीक है चलो सर, मुझे भी, ठीक है चलो सेम चीज दोनों बैच में पढ़ा रहा हूँ ना। और थोड़ा सा मैं क्या हो गया, थोड़ा सा वीक हो गया हूँ एक्चुअली कोविड के बाद। एक्चुअली मैं इतना बैच लेता नहीं हूँ, लास्ट ईयर मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो गया था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो गए थे क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वाला चीज मेरे दिमाग में था नहीं, तो उन्हें एडजस्ट करने के लिए मुझे दो बैच में ब्रेक करना पड़ा। अच्छा वो लोग इस बैच में नहीं आ सकते क्या? वो वाले इसमें नहीं, उन लोग वहां भी प्रॉब्लम है।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो दोनों अब इसीलिए अब मैं फिर से पूछूंगा एक बार वहां उस वाले पैच में, ठीक है। मतलब मैं एक्चुअली में वीक हो गया, मतलब क्या हो गया कि मेरा कभी मेरा पीठ दर्द करने लगता है, कभी कम छाती का ऊपर वाला पोर्शन बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, गले का पेन कर रहा है। और जिन लोगों को कोविड हुआ है, सुनने में बात करता हूँ, सबको ही कहता है कि कहीं ना कहीं ये पोस्ट कोविड इफेक्ट है ही। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि तुम देख रहे हो कि मैं 3 घंटे का क्लास नहीं कर पा रहा हूँ, हालांकि मुझे अभी चिंता नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन तो लेट होगा ही, इसीलिए कोर्स ऑलमोस्ट कवर अप कर दूंगा तुम लोगों का मैं, उसमें मुझे उस चीज का प्रॉब्लम नहीं है कोर्स। चलो इफ ए इज इक्वल टू इतना इज अ मैट्रिक्स सेटिस्फाइंग ए ए डैश इज इक्वल टू, मतलब मैं खुद डर रहा हूँ बहुत ज्यादा प्रेशर लेने के लिए, ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 9 i3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए ए ट्रांसपोज क्या होगा, ए ए ट्रांसपोज क्या होगा, ये होगा 1 2 2 2 1 -2। पहले मैंने उसी बैच में मैसेज किया था, ठीक है, क्योंकि ये पुराना बैच है तो ये एक परफेक्ट टाइमिंग है। तो मगर उस वहां पे भी कुछ बंदों ने बोला कि नहीं सर प्रॉब्लम है। चलो ए ट्रांसपोज क्या होगा बोलोगे सर? 1 2 8 ये जो कॉलम है, ऐसे बोलना तुम लोग को मुश्किल है मुझे मालूम है, ठीक है। ये जो गुलाबी है वो ऐसा हो जाएगा 1 2 2, ये जो है ये हो जाएगा 2 1 -2 और फिर हो जाएगा ए 2 बी। तो अगर तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे भाई, इसीलिए मैंने सॉल्ट एग्जांपल किया है क्योंकि मुझे मल्टीप्लिकेशन में टाइम बर्बाद नहीं करना है। तो ये 9 होगा, ये 0 होगा, ये ए प्लस ट्वाइस बी प्लस 4 होगा, ये 0 होगा, ये 9 होगा, ये ट्वाइस से प्लस 2 -2b होगा, ये a प्लस 2b प्लस 4 होगा, ये ट्वाइस से प्लस 2 -2b होगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। अब इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है देखोगे, a a डैश क्या दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है क्या, देखो 9 i3 का मतलब क्या हो जाएगा, 9 i3 का तो मतलब था 9 कितना 1 0 0 0 1 0 और क्या 0 0, तो ये किसके इक्वल हो गया 9 0 0 0 9 0 0 0 9, यही था। तो अगर अब मैं कंपेयर करूं तो ये और ये सेम होगा, किसी भी दो को कंपेयर कर सकते हो, अननेसेसरी टिपिकल वाले को लेके क्यों कंपेयर करोगे, और ये वाला सेम होगा। तो हेंस क्या मिला था तुम्हें, किसी भी दो को कंपेयर कर सकते हो कि ए प्लस ट्वाइस बी प्लस 4 का वैल्यू 0 होगा, तो आई से प्लस 2 -2b का वैल्यू 0 होगा। तो सॉल्व कर लेना, सॉल्व करने से किसका वैल्यू आ जाएगा, a का और b का, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूं। समझ में आया ना, किसी को डाउट है, किसी को कहीं पे डाउट है तो बोलोगे सर? वो लाइन नंबर 19 में सर, लास्ट लाइन में 001 होगा ना सर? ये वन है, किसी को कहीं पे डाउट है तो बोलोगे? मैक्सिमम लोग टीबीएस सबमिट कर रहे हैं, नहीं मैं ये भी बोल रहा हूँ, हाँ ये नहीं है ना, वो कुछ कुछ एक चुनिंदे हुए स्टूडेंट्स है जो नहीं अभी कर रहे हो, मैं उन्हें बोल रहा हूँ, मैक्सिमम लोग सबमिट कर रहे हैं, इसलिए वो चिंता नहीं करना। आगे चलूं? हाँ सर। उसके बाद सर, हाँ बोल दे जा। सर लास्ट पेज दिखा दीजिए आराम से।
ओके अब सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट ए डैश इज इक्वल टू ए देन ट्रांसपोज और ए सेम है A is said to be symmetric matrix. Example. एक symmetric matrix हर समय ऐसा दिखता है. Diagonal में जो भी element देना है दे दो उसका कोई चिंता नहीं है मगर यहां पे जो element दोगे 1, 2, 3 exactly यहां पे भी वही दोगे तब A dash कैसा होगा क्योंकि तुम देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एग्जैक्टली सेम है तो अगर चेंज करोगे तो सेम आया नहीं तो इसका एक एल्गोरिथम है क्या डायगोनल में जो भी एलिमेंट डालना है डालो और यहां पे जो होगा वही यहां पे होगा यहां पे जो होगा वो यहीं पे होगा जो यहां पे होगा वो यहीं पे होगा तो इसीलिए अगर मैं तुमसे कभी फाइंड ए बी एंड सी Find ABC if A is skew symmetric matrix. A is symmetric matrix. सुनने में आ रहा है? Yes sir. Yes sir. 3, 0 minus 5. A minus 3. Minus 6. Twice B. 4. C minus 3. और 8. तो बोलोगे क्या होना पड़ेगा ये अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इस एग्जाम में आएगा तो ए डैश इज इक्वल टू ए दिखा देना मगर यहाँ पे डायरेक्टली बोलो ना ये किसके इक्वल होगा 7 ए माइनस 3 ठीक है ये किसके इक्वल होगा 3 माइनस 3 समझ में आ रहा है नहीं मैं फिर से पूछ रहा हूँ किसी को डाउट है तो बोलेगा और ये किसके इक्वल होगा ट्वाइस बी होगा तो कंपेयर करने से क्या बोल सकते हो मगर उस एग्जाम में तुम्हें ऐसा लिखना होगा ए डैश क्या होगा तब थ्राइस ए माइनस 3 माइनस 6 4, 0 ट्वाइस बी सी माइनस 3 8 और माइनस 5 इज सेम एज ए ए का मतलब क्या 3 ए माइनस 3 तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 होगा और अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो डायरेक्टली लिख दोगे 8 माइनस 5 तो C माइनस 3 माइनस 6 के इक्वल हो गया 4 A माइनस 3 के इक्वल हो गया और 8 जो होगा वो ट्वाइस B के इक्वल हो जाएगा खेला खत्म किसी को लिखने का मैंने लिखो 2 मिनट का टाइम दे मैं 3 मिनट का ही दे रहा हूँ मैं आ रहा हूँ जरा लिख लो इसको आगे चलूं लिख रहे हो बहुत लिखता है त
तब भी मैं एक बार पूछ लेता हूँ, क्योंकि स्कूल का छोड़ो, डिटरमिनेंट किस किस के स्कूल में, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन किसी के स्कूल में हुआ है? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस किस किस के स्कूल में खत्म हो गया? हमारे ठीक है, तो मैट्रिसेस में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करा है? नहीं सर। ठीक है, ये ठीक है, तो जरूरत नहीं है, किसी स्कूल में नहीं करा है। डिटरमिनेंट कितने स्कूल में करा है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट? सर हमारे, कौन सा स्कूल? जुबली का लिटिल फ्लावर स्कूल, लिटिल फ्लावर, और ठीक है, और एमबीए में करा है, और चंदना कौन सा स्कूल? सर साउथ पॉइंट। ओ ठीक है, तो तुम लोगों को क्या डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज भी खत्म करा दिया है? हां सर। सर ठीक है, चलो फिर तो एमबीए में भी करवाया है। हां मैं एमबीए में भी करवाया, समझ में आ रहा है। ठीक है, बाकी लोगों के स्कूल में डिटरमिनेंट खत्म हुआ है? सर मेरा यस सर। तुम लोगों को नहीं कराया मगर रंजीत सर करवाया है। कौन सा स्कूल? डॉन बॉस्को। हां सर। अगर समय करवा ही दिया है तो ठीक है, तो मैं करवा ही देता हूँ। चलो आगे आगे चलूं? यस सर। चलो तो अगर सर, क्योंकि मुझे तो स्कूल ही देखना है, क्योंकि स्कूल का इंटीरियर में तो उन लोग दे देंगे, तब टीचर ने करवा दिया। चलो तो सिमेट्रिक आ गया। अब इसकी सिमेट्रिक क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स होता है जहां पे ए डैश माइनस है, ए डैश इजिकल टू माइनस है जहां पे, जैसे स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल हर समय जीरो होगा, प्रूफ करूंगा घबराओ मत। और यहां पे ऐसा होगा, तुम यहां पे अगर माइनस 2, 3, 5 लिखते हो ना, तो यहां पे साइन चेंज कर दो, ये मतलब सिमेट्रिक जैसा ही है, सिमेट्रिक जैसा ही है। अगर ये ए है तो ए डैश क्या होगा? पहले देख लो, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या होगा? क्योंकि अभी अब देखो ये और ये सेम नहीं है, ये 2 है और ये माइनस 2 है, ये माइनस 3 और ये 3 है, तो मैंने माइनस ही कॉमन ले लिया, तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाएगा। और अब मुझे एक बार बोलो, जरा आवाज सुनने का मन हो रहा है, क्या ये और ये अब सेम है? हाँ सर। तो माइनस आ गए तो क्या मिला, ए डैश इक्वल टू क्या मिला बोलो? माइनस है। माइनस है, तो इसमें क्या है, इसमें डायगोनल एलिमेंट्स हर समय जीरो होगा। डायगनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इज ऑलवेज जीरो। सर क्यों? ठीक है बताता हूं, मगर उसके लिए मुझे एक डेफिनेशन देना होगा कि ए डैश का क्या डेफिनेशन है। तो कुछ डेफिनेशन देखो, अगर ए तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स था ए आई जे एम क्रॉस एन, तो ए डैश तुम्हारा मैट्रिक्स बनता है बी आई जे उल्टा हो जाता था n क्रॉस m, वेयर रो और कॉलम इंटरचेंज हो रहा है, इसलिए बी आई जे का जो वैल्यू होगा वो ए जे आई होगा, उल्टा हो जाएगा। a डैश के जो ith रो और jth कॉलम में एलिमेंट होगा वो a के jth और ith रो के कॉलम में एलिमेंट होंगे। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब था जब ए डैश इजिकल टू माइनस ए होता है, मतलब ए आई जे का वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ ए आई जे होगा, ए जे आई उल्टा हो जाना पड़ेगा, आई जे और जे आई वही हो रहा है। देखो ना, ये इसका कौन सा एलिमेंट था, ए 1 2, ये कौन सा एलिमेंट था, ए 2 1। तो तुमने क्या देखा, ए 2 1 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ क्या, ए 1 2, ये कौन सा एलिमेंट है, ए 1 3, ये कौन सा एलिमेंट है, ए 3 1। तो तुमने क्या देखा, ए 1 3 इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ ए 3 1। तो ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई होना पड़ेगा। मगर डायगोनल एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं,
डायगोनल एलिमेंट्स जो थे वो कैसे थे? AII. वो था A11, A22 और A33. तो इसलिए J को अगर मैं I से चेंज कर दूं तो AII is equal to minus of AII. तो ये इस साइड आ गया तो AII plus AII equal to 0. तो this implies 2 times of AII equal to 0. तो this implies AII is equal to 0. मतलब डायगोनल एलिमेंट्स हर समय 0 होंगे. तो जब भी मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, दोबारा बोल रहा हूँ, क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट्स हर समय 0 होगा. अगर ये ए बी और सी है तो ये क्या होगा? साइन चेंज कर दो, ये हर समय एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा. किसी को लिखना है तो लिख लो. तो ठीक है, मैं डिटरमिनेंट करवा दूंगा. ठीक है, क्योंकि अगर 4-5 स्कूल में हो चुका है तो मैं करवा देगा. सर नीचे कर दीजिए. आगे चलूं? ये तो लिखना है, लिखना. आगे चलूं? यस सर. सुना, चलो आगे निकल रहा हूं. ठीक है, तो एक एक बड़ा 4 मार्क्स का सम आता है. प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज sum of symmetric and skew symmetric matrix. Prove that any square matrix can be written as sum of symmetric and skew symmetric matrix. Solution. ये लिख लोगे क्या statement एक बार? दुनिया का कोई भी अगर square matrix तुम्हें दिया है तो तुम उसे symmetric और skew symmetric matrix के term में लिख सकते. शुरू करूं? हाँ सर. तो पहले मुझे इसके लिए 2 रिजल्ट प्रूफ करना होगा. रिजल्ट नंबर 1, मैं ये दिखाना चाहता हूं कि P अगर A प्लस A डैश है तो दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये प्रूफ करना है.
तो ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा बात थोड़ी ना। P अगर A प्लस A डैश है तो P डैश कैसा होगा? A प्लस A डैश का डैश एक प्रॉपर्टी था, A डैश डैश प्लस A डैश एक प्रॉपर्टी था, मगर ये कॉम्यूटेटिव होता है, इज इक्वल टू P, तो हेंस तुम्हें क्या मिला, P डैश इज इक्वल टू P, तो क्या बोलोगे, P इज सिमेट्रिक। सेकंड केस, और एक रिजल्ट दिखाना है, Q जो है वो A माइनस A डैश है और वो स्क्यू सिमेट्रिक है। चलो, तो Q अगर A माइनस A डैश है तो Q डैश तो ये कोई कुछ पूछेगा तो अच्छा लगेगा, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। क्या ये और ये अभी सेम है? सर वो तो सर A डैश डैश माइनस A डैश होना, ए डैश माइनस, हाँ बोलो, तो वो उल्टा नहीं होगा सर? नहीं, उल्टा तो मल्टीप्लिकेशन में होता था ना, एडिशन में कहा। ए प्लस बी डैश जो था वो ए डैश प्लस बी डैश था। हाँ सर ठीक। ए माइनस बी डैश जो था वो ए डैश माइनस बी डैश था। अरे कितने लोग क्लास में हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। चलो ठीक है, अटेंडेंस, हिमांशु, हिमांशी दास, अंगी माजारिका, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, विद्युत, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट विद्युत, प्रेजेंट चंदना, प्रेजेंट सर। चलो टाइम बर्बाद नहीं करना है, वो मतलब तुम लोग बोलना नहीं पसंद करते। तो Q डैश अगर A डैश माइनस A है तो आगे आगे और बोर्ड नहीं करूंगा। चलो, तो ये तो सेम नहीं है ना, ये माइनस है, इसलिए इसे क्या लिख सकते हो, माइनस Q। तो तुम्हें क्या मिला, Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q, तो क्या बोलोगे, Q इज क्या, सिमेट्रिक। ठीक है ठीक है, चलो मैं कन्विंस हो गया हूँ, तुम लोग हो, लिखना है तो लिखो। सर क्या ये प्रूफ कहाँ हुआ, मैं बताऊंगा, घबराऊंगा, पहले ये रिजल्ट तो लिखो ना। ठीक है, दो मिनट दे रहा हूँ लिखने के लिए। आगे चलूं? Yes. तो मैंने क्या प्रूफ किया बोलो, P अगर A प्लस A डैश है तो ये क्या मैट्रिक्स था, सिमेट्रिक। Q अगर A माइनस A डैश है तो ये क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक। तो P प्लस, ध्यान से देखो, P प्लस Q क्या हो रहा है, देखो दोनों को ऐड करने से मुझे क्या मिल रहा है, कोई बोलेगा, 2i से। तो एक सपोज A कोई भी एक जनरल मैट्रिक्स है, सपोज A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो इसका मतलब तुमने A को क्या बना दिया, P प्लस Q बाय 2, मतलब A को क्या बनाया, 1 by 2 times of P, P का मतलब A plus A dash, Q का मतलब A minus A dash, तो hence ये वाला जो मैट्रिक्स है तुमने क्या प्रूफ किया था, क्या है अभी कुछ प्रूफ किया था क्या, सिमेट्रिक, मतलब P सिमेट्रिक, और ये वाला जो मैट्रिक्स है तुमने अभी जस्ट प्रूफ किया था क्या, Q सिमेट्रिक। तो इसका मतलब है ये अगर इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये अगर इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो मुझे तुमने क्या प्रूफ किया, A can be written as क्या, sum of symmetric and skew symmetric, तो खेला खत्म, skew symmetric matrix, तो hence proof,
एग्जाम में डायरेक्टली ये प्रूफ नहीं आता है, एग्जाम में कोई एक मैट्रिक्स दिया जाता है, तो वो अभी हम लोग करेंगे। ये लिखना है तो लिखो। सर राइट नंबर 5 में हमने क्या लिखा हुआ? चलो आगे चल रहा हूँ। सर बोलते जा। सर लाइन नंबर 5 में सर क्या लिखा हुआ अपने? सर A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ स्क्वायर तो होना पड़ेगा ना। हाँ सर। चलो अब मैं आगे चल रहा हूँ। तो इसका एल्गो देखो क्या है, गिवन होगा स्क्वायर मैट्रिक्स ए, फाइंड करोगे P इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश और दिखा दो सो दैट P डैश इज इक्वल टू P। एक काम करो, P को मैं चेंज कर रहा हूं, हाफ के साथ ले ज्यादा अच्छा है, कोई टीचर हो सकता है मार्क्स काट ले। थर्ड में फाइंड करोगे क्यू का वैल्यू हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश और दिखा दो क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू। ए को लिख दो पी प्लस क्यू, वेयर पी इज सिमेट्रिक और क्यू इज क्यू टू सिमेट्रिक। सर कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है सम जब लिखूंगा तभी समझ में आएगा, लिखने का टाइम दूंगा ऊपर। राइट 1 2 3 माइनस 1 माइनस 3 5 4 माइनस 6 3 एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू स्कीमेट्रिक मैट्रिक्स सॉल्यूशन। शुरू करूं? ए है 1 2 3 माइनस 1 माइनस 3 5 और 4 माइनस 6 3 तो ए डैश क्या हो जाएगा 1 2 3 माइनस 1 माइनस 3 5। किसी को डाउट है तो बोलोगे रे, तो इससे ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 प्लस 1 2 2 माइनस 1 1 3 प्लस 4 7 माइनस 1 प्लस 2 1 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 6 5 माइनस 6 माइनस 1 4 5 6 7 5 माइनस 6 माइनस 1 3 प्लस 3 6। ए माइनस ए डैश क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 2 प्लस 1 3 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 0 5 प्लस 6 11 4 माइनस 3 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 11 3 माइनस 3 0। तो P को मैं ले लेता हूं हाफ ऑफ हाफ ऑफ देखने से क्या लग रहा है, क्या ये सिमेट्रिक है?
देखने से क्या लग रहा है? हाँ, अरे देखो ना, 1177 माइनस वन माइनस वन, तो पी डैश क्या होगा बोलोगे? हाफ ऑफ, समझ में आया? पता नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कोई सम करने भी नहीं दे सकता हूँ ना, ये सब तो ऐसा समय क्या, पी डैश इक्वल टू पी, तो क्या लिखोगे? पी सिमेट्रिक, मैं छोड़ रहा हूँ, वैसे ही क्यू दिखा देना, हाँ, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश, किसी को डाउट है तो बोलेगा, दिखा देना, हाँ, क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक, हेंस ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, खेला खत्म, किसी को लिखना है तो लिख लो, चार मार्क्स तीन मार्क्स के सम में आएगा नहीं, तो डाउट है तो ऊपर का एल्गोरिथम एक बार दिखा देंगे। ओ हाँ, वो तो दिखा रहा हूँ, पहले एक बार ये लिख लोगे क्या, फिर एल्गोरिथम इतना ज्यादा अच्छा है, वो कोई ये लिखना नहीं भी चाह सकता है, ठीक है लिख लो ये। सर क्या बोरिंग बोर्ड बात है, आगे चलूं या सर ये तो अभी दिया, देखो बड़ा बोरिंग टॉपिक खत्म हुआ रे, बड़ा बोरिंग टॉपिक है ये, आगे चलूं? Yes, sir. चलो लास्ट वन, इफ बी इज स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव दैट the matrix A dash B A is also skew symmetric. Solution. 10-15 second दे रहा हूँ सम लिखने के लिए. आगे चलूं? Yes, sir. If B is skew symmetric, prove that this is also skew symmetric. Let P का वैल्यू ले लेता हूं A dash B A. तो P dash क्या हो जाएगा? A dash B A का dash. दो मिनट. रिया, रिया, वो दरवाजा बंद कर दिया. ए बी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी तो उससे ये क्या हो जाएगा, कोई बोलेगा? ए डैश बी डैश ए डैश का डैश उल्टा हो जाएगा ना रे. अरे ए बी सी अगर ये होगा तो उसी लॉजिक से ए बी सी का डैश क्या होगा? सी डैश बी डैश ए डैश. मगर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू क्वेश्चन में बी क्या दिया हुआ है? स्क्यू सिमेट्रिक. तो बी डैश क्या हो जाएगा? माइनस. तो ए डैश माइनस बी है, तो अल्टीमेटली माइनस बाहर लेने से क्या आया?
तो p डैश किसके इक्वल हो गया? माइनस q. तो क्या बोलोगे? p इज क्या? q से मैं किस खेला खत्म. किसी को लिखना है तो लिख. आगे चलो. यस सर. हाँ सर. ठीक है. दस मिनट का एक ब्रेक दे रहा हूं. आज आप 1:30 तक क्लास लेंगे सर? डिटरमिनेंट करवाऊंगा. नहीं, एक नया टॉपिक शुरू करूंगा. आप कब तक है क्लास? कब तक करता हूं वो डिटरमिनेंट? आज करवाऊं या नेक्स्ट क्लास में कराऊं? तुम लोग आज कुछ पढ़ाया नहीं है. देखिए अभी तक तो केवल सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ाया, इसीलिए नया टॉपिक है, इसलिए थोड़ा रेस्ट ले रहा हूं. मैंने भी नाश्ता नहीं किया, नाश्ता कर लेता हूं. ठीक है. क्लास नॉर्मली तुम लोगों का इन जनरल तो 1 बजे तक रहता है ना? हां सर. तो आओ, ठीक है, 10 मिनट का ब्रेक देता हूँ, ज्यादा नहीं. मैं डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी आज नहीं कराऊंगा, वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा. नॉन प्रॉपर्टी वाला चीज आज खत्म कर देता हूँ. 10 मिनट का एक ब्रेक दे रहा हूँ. प्रीवियस पेज दे दीजिए ना. हाँ सर, पहले वाला पेज दे दीजिए ना. पहला वाला पेज दे दो. ठीक है, लो लिखना है तो लिख. 11:50. हाँ, लेट नहीं करोगे? हाँ, 11:40 हो रहा है, 11:50 में आ जाओ.
सुनने में आ रहा है? सुनने में आ रहा है? शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार करो ना, क्योंकि एक बार मैसेज दे देता हूँ तुम लोग के बैच में, एक बार मैसेज दे रहा हूँ। डिटर्मिनेंट एक ये 2x2 है, चीज थोड़ा उल्टा है, मतलब तुम अगर मुझसे पूछोगे ये क्यों हुआ मुझे नहीं मालूम, मगर मैं ये जानता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है इसलिए इसे ये सिंबल दिया गया, तो खेला यहीं पे खत्म हो गया। डिटर्मिनेंट का फिजिकल सिग्निफिकेंस ये इतना इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है कि इसको तुम ये लिख सकते हो। सर क्यों इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, क्यों नहीं है? a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 को क्या तुम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व नहीं करते थे क्लास 10 में? और अगर तुम यहां से सॉल्व करते थे तो क्या ये डिटरमिनेंट नहीं है? इसको तुम b1c2 तो मतलब b1b2 और c1c2 = y ऑफ c1a2 तो c1c2 a1a2 = 1 ऑफ a1a2 और b1b2 तो हो तो गया, ठीक है। तो ये रहा डिटरमिनेंट का यूज आ गया। तो 3x3 में भी ऐसा एक रूल आता है, वो कोर्स में नहीं है, उसे क्रैमर्स रूल कहते हैं। तो ये 2x2 का डिटरमिनेंट है। तो इसलिए अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि डिटरमिनेंट ब्रेक करो cos theta sin theta - sin theta तो इसका वैल्यू क्या होगा? तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा? cos² θ माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस sin² θ, मतलब cos² θ + sin² θ, तो दिस इज नथिंग बट 1। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, ये डिटरमिनेंट का शुरुआत 2x2। 1x1 में तो कुछ है ही नहीं डिटरमिनेंट, ये तो डायरेक्टली डिटरमिनेंट ही लिखोगे। अगर एक केवल एक ही एलिमेंट होगा तो वो a1 होता है। आगे चलूं? एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए। ये सुनो मेरे, थ्री क्रॉस थ्री तो सबसे ज्यादा यूज होगा। ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, इसे अगर ब्रेक करना है तो इसे ऐसे ब्रेक किया जाता है। अगर मैं रो वाइज ब्रेक करूंगा तो पहला एलिमेंट ए है, वो जिस रो और जिस कॉलम में हटा दो क्या बच गया? 2x2 के टर्म में आ जाएगा। अल्टरनेट प्लस माइनस आता है, माइनस बी ये आ दो क्या बच गया? px rz।
प्लस सी, ये जिस रो में है जिस कॉलम में है हटा दो, क्या बच गया? पी क्यू एक्स वाई। तो अगर ब्रेक करोगे तो क्या मिलेगा, ये ए टाइम्स ऑफ क्यू जेड माइनस आर वाई माइनस बी टाइम्स ऑफ पी जेड माइनस आर एक्स प्लस सी टाइम्स ऑफ पी वाई माइनस एक्स क्यू। चलो आगे चलते हैं। तो बोलोगे सर ये ऐसे क्यों ब्रेक हुआ, फिर से गलत सवाल। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है कि उसको ऐसा लिखा गया। अब पूछो क्या पूछना। सर अब एक बार ये फेस समझा देंगे सर, मतलब मैं कट हो गया ना सर। देखो ए जिस रो और कॉलम में है, पहले ए लिखोगे, हाँ जिस रो और कॉलम में उसे छोड़ दो तो क्या बच गया बोलो। क्यू आर वाई जेड। उसके बाद इसे हटा देता हूं पहले। उसके बाद बी जिस रो और कॉलम में है, बी माइनस बी, हाँ प्लस माइनस लगेगा, पहले में प्लस लगेगा फिर माइनस लगेगा, माइनस बी। तो अब मुझे बोलो ये जिस रो है कॉलम में हटा दो तो क्या बच गया। पी एक्स आर और जेड। अब सी प्लस सी, ये जिस रो और कॉलम में है क्या बच गया। पी क्यू एक्स और वाई। तो बस अब उसके बाद ब्रेक कर दो, आया समझ में। असल में माइनस बी क्यों है सर। माइनस बी तो माइनस बी इसलिए हुआ क्योंकि अब देखो माइनस बी क्यों हुआ मीनिंगलेस है, वही तो मैं कह रहा हूँ कि इसका ये इसे ये लिखना है, इसको ये लिखना है। हालांकि एक लॉजिक है, ऑर्डर चेंज कर रहे हो, प्लस बी अगर लगाओगे तो ये आर जेड हो जाएगा और ये पी एक्स हो जाएगा, समझ में आया। मगर वो मीनिंगलेस क्वेश्चन है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्योंकि यहां से ये आया है, यहां से ये आया है, ना कि ऊपर से नीचे आया। ये कोई मशीन थोड़ी ना है जो वैल्यू देता है, समझ में आया। ये ऐसा थोड़ी ना कि ये यूनिवर्स का कोई लॉ है, अरे इसे हमने डिफाइन किया है। हाँ सर, मतलब ये अल्टरनेटली ऐसा हुआ क्या, प्लस माइनस प्लस। मैं प्लस भी लिख सकता था, मगर अगर मैं प्लस भी लिखता तो पहले आर जेड लिखता और फिर पी और एक्स लिखता। ना सब समझे ऐसे। आगे चलूं? हाँ सर। हाँ सर। मगर तुम इसे रो वाइज भी ब्रेक कर सकते थे, रो वाइज भी ब्रेक कर सकते थे, तब क्या होता। ये तो मैंने रो वाइज ब्रेक किया, कॉलम वाइज भी ब्रेक कर सकते थे। इसे दोबारा लिखता हूं, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड। तो ब्रेक करो, ए जिस रो जिस कॉलम में है, हल्ला हो तो अच्छा लगे थोड़ा, क्या क्या रहेगा। माइनस पी ऑफ, अब मैं ऐसे कह रहा हूँ, पी सी बी सी सी वाई जेड प्लस एक्स ऑफ क्यू आर। ब्रेक तो कर लोगे, किसी को लिखना है तो लिख लो, किसी के रेस्पेक्ट में भी ब्रेक कर सकते हो, मगर एक छोटा सा चीज याद रखना है, पहले ये लिख लो फिर उसके बाद। सर हाँ बोल दे जा। सर ये हमेशा फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम के लिए होगा या फिर अलग के लिए। नहीं किसी के लिए भी कर सकते हो, बताऊंगा अभी। मगर नॉर्मली हम लोग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को ही ब्रेक करते हैं, मगर ये किसी के रेस्पेक्ट में ही ब्रेक किया जा सकता है। लिख लिया तुम लोगों ने? हाँ सर। तो अगर लिख लिया तो क्या तुम मुझे, तुम सब लोग इसका वैल्यू एक बार निकाल के बोलोगे क्या निकला। टू थ्री माइनस टू, वन टू थ्री माइनस टू, वन माइनस टू। टेक योर टाइम, तुम्हारे ऊपर है, रो करो कॉलम करो जो करना करो।
मैं आ रहा हूँ, हाँ करो, मैं आ रहा हूँ, दो मिनट में आ रहा हूँ। सर माइनस 37। आगे क्या है आंसर? माइनस 37। किसी को भी डाउट है तो बोलो, एकदम मत शर्माओ प्लीज। क्या किसी का आंसर नहीं निकला? क्या मैं करूं? मैं 10 सेकंड रुक रहा हूं, तुम्हारे अंदर से उसे हटा दो, झिझक को हटा दो। यू मस्ट बी कमिटेड टुवर्ड योर स्टडी। मगर ऑफलाइन ऑनलाइन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, आगे निकल रहा हूं। मगर तुम ये ऐसा नहीं है, तुम किसी के रेस्पेक्ट में भी ब्रेक कर सकते थे। अभी जो किसी एक लड़के ने मुझसे पूछा, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड, मगर ध्यान से देखो। हाँ, ये एलिमेंट था A11, ये क्या था A12, ये क्या था A13। अब देखो लोअर सफिक्स का सम, देखो लोअर सफिक्स का सम जो है 1+1 2 होता है। अगर इवन है तो जब ब्रेक करते हो तो वो पॉजिटिव साइन लेता है, देखो। मगर B में अगर तुम ये 1 2 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 1+2 क्या? माइनस। ऑड, ऑड है तो माइनस हो जाता है। अब 1+3 इवन, इवन है तो प्लस हो जाएगा। तो अब जिसका डाउट था कि सर क्या हम हर समय फर्स्ट कॉलम के साथ ब्रेक कर सकते हो, नहीं, तुम सेकंड के साथ भी ब्रेक कर पाओगे। मगर अब पहला वाला क्या होगा ये देखने के लिए, ये कौन सा एलिमेंट है? A21, तो 2+1 इवन या ऑड? ऑड, तो इसलिए माइनस पी लगेगा। समझ में आया? यस सर। अब ये जिस रो में और जिस कॉलम में हटा दो, क्या बच गया? क्या बच गया? BC YZ। थैंक्स। माइनस है तो अब प्लस आएगा, क्या रहेगा? AC XZ। अब फिर से माइनस आ रहेगा, क्या रहेगा? PQX ABXY। ये तुमने किसके रेस्पेक्ट में ब्रेक किया? सेकंड रो। किसी को लिखना है तो लिख लो, ये तो मिटा दो, इसका जरूरत नहीं। किसी को लिखना है तो किसी के रेस्पेक्ट में भी ब्रेक कर सकते हो। समझ में आया? यस सर। मगर ये प्लस होगा या माइनस होगा ये डिपेंड करेगा, जैसे इसका मुझे बोलो इसके आगे प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा? इसके आगे माइनस साइन, माइनस साइन, क्योंकि ये कौन सा एलिमेंट है? ए 3 2 3 2, तो 3+2 5। नहीं तो तुम ये भी बोल सकते हो प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये प्लस, ये माइनस हो गया। आगे चलूं? रुक जाता। तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मेरे बच्चे का पीटीएम चल रहा है इसीलिए। हाँ, एक बार बस देखते हैं।
आगे चलूं? हाँ सर। जरूरत नहीं पड़ता है, मगर नहीं बताऊंगा सारा सूट तो तुम लोग कहीं मिल जाएगा और YouTube में बोलोगे सर आपने ये नहीं बताया कितना अच्छा रूल था। ठीक है तो सीख लो ये भी रूल ए बी सी। मैं फिर से कह रहा हूं कि YouTube के मजबूरी के कारण बता रहा हूं ताकि तुम्हें ये ना लगे कि नहीं सर रुपेश सर ने कुछ नहीं बताया। क्या करो उसके बाद दो एलिमेंट और लिख लो, मतलब ए पी एक्स, समझ में आया? ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, हाँ, और फिर बी क्यू वाई ये यहाँ पे लिख दो। अब देखो क्या करो, ये हर समय प्लस में जाता है, ये वाला, ये ब्लैक वाला जो है ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस में जाएगा, मतलब ए क्यू जेड प्लस बी आर एक्स प्लस सी पी वाई। अब साथ में ये जो रेड वाला है ये माइनस में जाएगा, मतलब माइनस एक्स क्यू सी माइनस वाई आर ए माइनस जेड पी बी। तो तुम ऐसे भी ब्रेक कर सकते हो, मतलब अगर अब मैं तुमसे कभी पूछूं कि 1, 3, 5, 6, 2, 1 और 7, 1, 3 का वैल्यू निकालो, तो इसे तुम 1, 3, 5, 6, 2, 1, 7, 1, 3 यहाँ पे 1, 6, 7 लिख लो, यहाँ पे 3, 2, 1 लिख लो, तो बोलो क्या होगा तब? प्लस किसके साथ जाएगा? 1 × 2 × 3 प्लस, समझ में आ रहा है? ये वाला प्लस में जाएगा, ये 3 प्लस 3 × 1। अब माइनस में क्या जाएगा? 7 × 2 × 5 इसे रूल ऑफ सारस कहते हैं। ब्रेक कर दो, आंसर सेम निकलेगा, किसी को लिखना है तो लिखो। सर फर्स्ट दो कॉलम से रिपीट होते हैं कौन सा? हाँ फर्स्ट दो कॉलम ही, हाँ मतलब साइक्लिक ऑर्डर है ना, रे ए वन ए टू ए थ्री फिर से ए वन फिर से ए टू, तो अब तो वही हो जाएगा। लिख लो, आगे चलूं? हाँ सर। अगर एक एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट ए इसका डिटर्मिनेंट होता है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है कि डिटर्मिनेंट जीरो हो। अगर डिटर्मिनेंट जीरो होता है तो हम कहते हैं ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई चीज तब सिंगुलर मैट्रिक्स होता है अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो हो।
और डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो होता है तब हम कहते हैं ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। लिखना है तो लिख, तो इसमें तो बाकी है नहीं, बस प्रॉपर्टीज ही बाकी है। प्रॉपर्टीज तो आज कल नहीं करवाया जा सकता है, प्रॉपर्टीज तो नेक्स्ट क्लास में करवा पाऊंगा मैं, क्योंकि वो मुझे पूरा 3 घंटा चाहिए होगा, एक कॉन्टिन्यूटी वाला बात होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स में अब कभी कभी तुमसे ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर ए का वैल्यू डिटर्मिनेंट दे देगा x11 3 2x और 4x3 और बोलेगा इज सिंगुलर, तो निकाल पाओगे या नहीं? फाइंड x हो जाएगा। सुनने में आ रहा है? हाँ सर। तो छोड़ दो ना ये डिटरमिनेंट, ब्रेक करके क्या करोगे, इक्वल टू जीरो कर दोगे, हो जाएगा। और एक एप्लीकेशन है वो लिख लेना, ठीक है? That is known as area of triangle. मगर ये तुम बोलोगे सर आप बोर कर रहे हो, क्लास 10 में हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, मुझे भी मालूम। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्लास 10 में तुमने पढ़ा होगा, मॉड ऑफ इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हो, हाफ ले लेना, एक मॉडुलस ले लेना क्योंकि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, x1y11 x2y21 और x3y31, इसे ब्रेक कर देना। ये ब्रेक करने से एरिया ऑफ अ ट्रायंगल आता है। समझ में आया? Yes, मेरे ख्याल में इसे समझाने लायक कुछ है नहीं, किसी को डाउट है तो बोलेगा। कोलिनियर होने से एरिया जीरो होता है, किसी को लिखना है तो लिख लो। आज तो मुझे यहीं पे खत्म करना होगा, मेरे पास चारा नहीं है, क्योंकि इसके बाद अब प्रॉपर्टी शुरू होगा, प्रॉपर्टी आज नहीं शुरू करूंगा, आधा प्रॉपर्टी आज आधा प्रॉपर्टी कल, लास्ट की नेक्स्ट क्लास नहीं होगा, तो आज यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास बड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है, इंपॉर्टेंट मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ, उन लोग जिनके स्कूल में करवा दिया गया प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, आराम से स्कूल के टीचर से पूछ सकते हो कि ये आएगा या नहीं, और उसके अनुसार क्लास अटेंड करने का कंडीशन तुम ले सकते हो। और अगर देखने का प्रॉपर्टी इंटरेस्टिंग है, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बोरिंग टॉपिक है, ठीक है? तो चलो आज मैं यहीं पे छोड़ता हूँ। थैंक यू सर। हाँ चलो, क्योंकि प्रॉपर्टी आधा करवाने से मीनिंगलेस हो जाएगा, हाँ कंटिन्यूटी वाला बात होता है। नेक्स्ट क्लास सर ना ये भेज दे रहा हूँ, लास्ट क्लास का ही भेज दे रहा हूँ।